विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने बुधवार को कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि स्वस्थ बच्चों और किशोरों को कोरोना वायरस बीमारी के खिलाफ बूस्टर खुराक की जरूरत है। एक संवाददाता सम्मेलन में स्वामीनाथन ने कहा कि कोरोना वायरस की तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ समय के साथ वैक्सीन प्रतिरक्षा में कुछ कमी आई है। ये पता लगाने के लिए और अधिक शोध किए जाने की आवश्यकता है कि बूस्टर खुराक की जरूरत किसे है। WHO की प्रमुख वैज्ञानिक का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब कई देश COVID-19 से संबंधित इलाज अपना रहे हैं, जिसमें प्राथमिक खुराक से कम होने वाली प्रतिरक्षा को देखते हुए बूस्टर शॉट के लिए एक अलग टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करना भी शामिल है। कई देशों में दिया जा रहा है बूस्टर डोज। अमेरिका बच्चों को बूस्टर खुराक देने के अभियान का नेतृत्व कर रहा है, क्योंकि देश के शीर्ष नियामक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने इस महीने की शुरुआत में फाइजर और बायोएनटेक को COVID-19 की वैक्सीन की तीसरी खुराक के उपाय को मंजूरी दी थी। 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बूस्टर शॉट दिया जा रहा है। इजराइल भी 12 साल की उम्र के बच्चों को बूस्टर खुराक की पेशकश कर रहा है। हालांकि उसकी इस बात के लिए आलोचना भी हो रही है कि बूस्टर शॉट का उद्देश्य दवा कंपनियों के लिए सिर्फ लाभ कमाना है। पिछले हफ्ते जर्मनी अपने दवा नियामक के साथ सूची में शामिल होने वाला नवीनतम देश बन गया है, जिसने 12 से 17 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए बूस्टर शॉट की सिफारिश की है। एक अन्य यूरोपीय राष्ट्र हंगरी ने भी अपनी किशोर आबादी के लिए इसी तरह के बूस्टर शॉट को अधिकृत किया है। कमजोर वर्गों को बूस्टर डोज की जरूरत। हालांकि WHO ने आबादी के कुछ कमजोर वर्गों को बूस्टर शॉट देने की आवश्यकता को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है। स्वामीनाथन ने कहा है कि अगर विशेषज्ञों का एक समूह इस सप्ताह के अंत में बैठक करेगा और इस सवाल पर विचार करेगा कि देशों को अपनी आबादी को बूस्टर देने पर कैसे विचार करना चाहिए। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।